सतना के नादन देहात थाना अंतर्गत रिगरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना को लेकर रिगरा निवासी फरियादी राहुल पटेल का आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना को लेकर नादन देहात थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी, लेकिन नादन देहात थाने में फरियादी से 7,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पुराना जमीनी विवाद और ट्रैक्टर निकलने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद सुधा पटेल मनगिरिया पटेल ने उसे और बहन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर उसकी मां अनीता पटेल और बाबा रामदीन से भी लोग मारपीट करने लगे। फरियादी ने बताया कि मारपीट में उसकी बहन, मां और बाबा को काफी चोट आई है। इतना ही नहीं, आरोपी लगातार परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसकी FIR पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।